दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ रही है टाटा इंजीनियर्स की तरफ से। यहाँ देखिए बीटेक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इसके साथ साथ यहाँ डिप्लोमा वाले बीटेक डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और आईटीआई वालों के लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, एज वेल एज एनी ग्रेजुएट वालों के लिए आ रही है। एक्सपीरियंस की डिमांड करें तो एक्सपीरियंस ने इन्होंने डिमांड जो बिल्कुल फ्रेशर्स वाले एलिजिबल हैं, कैसे अप्लाई करना है सारा बताया है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है वो भी बताया है। बट आप वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल पे कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर। जी हाँ, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की तरफ से बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है इंजीनियरिंग ब्रांच वालों के लिए। मेन जो वैकेंसी आ रही है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनी ग्रेजुएट वालों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ रही है। इसके साथ साथ सीएस और आईटी वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी आ रही है। जैसे कि आप सबको पता ही है, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर जो है कंसल्टिंग प्रोवाइड करता है इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड किस किस में, पावर सेक्टर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, एज वेल एज बड़ी बड़ी सेक्टर्स में जहाँ ईजिली आप वर्क करके बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्तों अभी तक अगर किसी ने कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन नहीं किया है, यार मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, याद से थोड़ा उसको कर दे, क्योंकि आप जब ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन करते हैं ना तो मेरे लिए ईजी हो जाता है नेक्स्ट वीडियो की अपडेट लाना। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है जो कि आ रही है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की तरफ है। इनडायरेक्टली ये टाटा इंजीनियर्स की तरफ से वैकेंसी है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये खुल गया है इनका कैरियर सेक्शन। दोस्तों यहाँ बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है जिनकी लास्ट डेट अभी 28 फरवरी और 15 मार्च तक ही अवेलेबल है। दोस्तों हम बात, वैसे तो एक्सपीरियंस वाले और फ्रेशर वाले सभी एलिजिबल है, बट मैं बात मैक्सिमम फ्रेशर्स वालों की करता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस वाले ऑटोमेटिक खुद भी अपनी वैकेंसी देख सकते हैं। दोस्तों मैंने अपना एक दो प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है टेलीग्राम, टेलीग्राम के साथ साथ लिंक्डइन, लिंक्डइन के साथ साथ इंस्टाग्राम। दोस्तों अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, एनी अपडेट, जैसे अभी कुछ टाइम पहले स्किल्स के बारे में पूछा था कि सब मेरे से पूछ रहे थे कि किस ब्रांच की क्या स्किल्स है, तो मैंने जो है एक स्किल्स का फॉर्मेट बना दिया है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा इस वीडियो के डलने के बाद, तो आप वहां देख लीजिएगा। पर्टिकुलर सिविल की अलग स्किल्स है, मैकेनिकल की अलग है, इलेक्ट्रिकल की अलग है और अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग स्किल्स। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए दोस्तों यहां सेफ्टी स्टैंडर्ड जो वैकेंसी 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है उनके बारे में हम कम बात करेंगे या बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिसका 12 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड है तो ऑलरेडी उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं फ्रेशर्स वालों की, या फिर जो बिल्कुल फ्रेशर वाले हैं, या फिर एक या दो साल का एक्सपीरियंस या तीन साल का। एक ये है एनवायरमेंटल एक्सपर्ट बुलेट ट्रेन मुंबई लोकेशन बीई, जो बुलेट ट्रेन बन रही है उसकी जो कंसल्टिंग है, मतलब उसके जो कंसल्टिंग कर रहा है वो कर रहा है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर बुलेट ट्रेन का। तो बुलेट ट्रेन के लिए इन्होंने जो है ये एनवायरमेंट एक्सपर्ट हायर कर रहे हैं जो कि 3 ईयर्स का गुजरात और महाराष्ट्र डिवीजन में, और 31 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आप आइए दोस्तों फ्रेशर्स के लिए बात। फ्रेशर्स के लिए 2 से 3 वैकेंसी निकल के आ रही हैं, CAD ड्राफ्टमैन, BIM मॉड्यूलर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। दोस्तों जो एनी ग्रेजुएट वाले हैं वो बी डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। अब डॉक्यूमेंट कंट्रोलर क्या होता है, देखिए किसी भी ऑफिस में किसी भी जहां साइट सेटअप होती है तो वहां क्या होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोल करने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट कौन कौन सा कहां रखा है, या बड़ी बड़ी फाइलें होती है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, तो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की डेजिग्नेशन होती है जिसको BCOM या फिर BA वालों को दिया जाता है। तो आपने BA BCOM की हो कहीं से भी तो आप यहां एलिजिबल है, आप अप्लाई कर दीजिएगा। ओनली 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब आप बोलेंगे हमारे पास तो 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको एक चीज कन्वे कर देता हूं, 0 ईयर का एक्सपीरियंस सिर्फ आपकी स्किल्स को डिफाइन करता है, आपके एक्सपीरियंस को नहीं डिफाइन करता है। इसलिए जो फ्रेशर्स हैं वो भी यहां अप्लाई कर दें। अब बात आई ये दूसरी कैट ड्राफ्टमैन बुलेट ट्रेन मुंबई लोकेशन के लिए। देखिए इसको हम जैसे ही कैट ड्राफ्टमैन CAD ड्राफ्टमैन, तो ये किस किस के लिए है, इन्होंने बोला है गुजरात एंड महाराष्ट्र, एज लिमिट भी इन्होंने बताई है 22 से 30 साल के बीच में ही, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो,
वो एलिजिबल है। उसकी ब्रांच होनी चाहिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो ओनली 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, नॉर्मल सी आपको भी पता है कि एक ईयर का एक्सपीरियंस कहीं नहीं होता है। बस आपको क्या है कि आपको बेसिक डिज़ाइन आना चाहिए तो आप यहाँ एलिजिबल है। डिज़ाइन नहीं भी आता है तो आपको ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो परमानेंट जॉब होने वाली है। बात कर लेते हैं सैलरी की, तो सैलरी दोस्तों यहाँ आपको मिनिमम 40K से लेके 50K के बीच में रहने वाली है। अब ये हो गई सिर्फ कैड मॉड्यूलर की। इन्होंने बोला है, देखिए इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने डिप्लोमा भी मांगा है। देखिए इन्होंने यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा BE सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वालिफिकेशन में BE BTEC की भी डिमांड रखी है। और जब इनके देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, अब सिविल है तो सिविल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इसके साथ इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, और ITI वाले भी एलिजिबल हैं। दोबारा सुन लीजिए, जी हाँ ITI वाले भी एलिजिबल है, डिप्लोमा इन सिविल या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ सभी एलिजिबल है। 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो अच्छा है, नहीं है तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है की स्किल्स इन्होंने यहाँ दे ही दी हैं। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा की स्किल्स के बारे में, जो आपको आगे अप्लाई करने में भी थोड़ा तसल्ली होगी। दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसीज़ के बारे में। तो यहाँ जो तीसरी वैकेंसीज आपको नज़र आएगी BIM मॉड्यूलर, इसमें भी सेम क्राइटेरिया ही मांगा है, और इसमें भी BE BTEC की डिमांड की गई है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में। और जब नीचे आके देखेंगे तो यहाँ डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा मैकेनिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, सभी के लिए बम्पर वैकेंसी निकल के आ रही है। वहाँ ITI वाले भी एलिजिबल थे और यहाँ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी एलिजिबल हैं, और एक साल का एक्सपीरियंस कुछ भी डिफाइन नहीं करता है। तो ये सिर्फ आपके स्किल्स को डिफाइन करता है। बात कर लेते हैं अप्लाई करने की, तो यहाँ नीचे ही मेंशन किया हुआ है अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूछेगा आपका टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर के एम्प्लॉय हैं तो नो कर दीजिएगा। तो फर्स्ट में आपको नाम डालना है, मिस्टर है, मिस है, फिर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, हाइएस्ट क्वालिफिकेशन, आप डिप्लोमा कर रखी है, आपने डिप्लोमा किया है कि जो भी किया है वो मेंशन कर दीजिएगा, डिसिप्लिन आपकी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी थी, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, करंट एम्प्लॉयर, करंट एम्प्लॉयर का मतलब है जो आप कहां काम कर रहे हैं। बट अगर जो फ्रेशर है वो यहां फ्रेशर मेंशन करें, करंट इंडस्ट्री तो आप देखिए मेट्रो, ये जो है रेलवे इंडस्ट्री है तो आप रेलवे मेट्रो का ही जिक्र करें, क्योंकि मेट्रो वाले को ये अपने रैंडम नेम में सबसे ऊपर लाएंगे। तो आपको शायद समझ में आ गया जो मैंने बोला। अभी करंट CTC, सबसे पहले CTC का मतलब क्या होता है, वो होता है कॉस्ट टू कंपनी। तो ये CTC जो है ये आपको बिल्कुल जीरो, आपको यहाँ जीरो लिख देनी है। और एक्सपेक्टेड, देखिए एक्सपेक्टेड के लिए मैं आपको बता दूँ, डिप्लोमा वालों के लिए जो है वो 30K to 40K लिखे, और BTEC वाले 40K to 50K, और ITI वाले 25K to 30K लिखे। एक्सपीरियंस जीरो है तो जीरो, और फॉर्मेट इन्होंने साफ दिया है 0.00 फॉर्मेट में लिखना है। साइट एक्सपीरियंस 0.00, डिज़ाइन एक्सपीरियंस, लोकेशन जो भी आपकी, उसके बाद करंट लोकेशन, लोकेशन के बाद अपलोड रिज्यूम। रिज्यूम के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, एक मैंने फॉर्मेट बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है। बट जिन्होंने नहीं देखा है या फिर और फॉर्मेट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ब्रांच और पास आउट ईयर और रिज्यूम लिख दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ ये टेक्स्ट डाल के इसको सबमिट कर देना है। ये थी आपके लिए बहुत ही खास वैकेंसी, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।